गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, इसको शॉर्ट में बोला जाता है एपी। ठीक है, तो देखो ये चैप्टर का आज ये पहला लेक्चर है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग समझेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पहला जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसको समझने के लिए देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली क्या है, एक सीरीज है, सीरीज ऑफ नंबर्स। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इट इज़ अ सीरीज ऑफ नंबर्स। ठीक है, बहुत सारा नंबर्स तुमको दिया रहेगा एक के बाद एक। ठीक है, और वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। तुमको कैसे समझ में आएगा कि एक सीरीज ऑफ नंबर्स वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। ठीक है, इसके लिए, इसको समझने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल तुमको दे रहा हूँ। ठीक है, उस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, एग्जाम्पल से ही समझ जाओगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। ठीक है, उसका एग्जाम्पल से हम तुमको समझाते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल, कुछ नंबर का सीरीज हम दे रहे हैं, क्योंकि प्रोग्रेशन मतलब क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली एक सीरीज ऑफ नंबर्स है। कुछ नंबर्स तुमको दिया रहेगा, ठीक है, उसका तुम्हें बोलेगा कि नेक्स्ट नंबर कौन सा है, अगला वाला नंबर कौन सा है। ठीक है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा। तो उससे, उसको करने के लिए पहले सीरीज को देखना जरूरी है। तो देखो मैं कुछ सीरीज तुमको दे रहा हूँ, जैसे कि एक दो तीन चार, ये चल रहा है, ये पहला सीरीज हो गया। दूसरा वाला सीरीज मान लो 40, 70, 100, 130, 160, ये चल रहा है। ठीक है, तीसरा वाला सीरीज मान लो 5, 8, ठीक है 11, उसके बाद मान लो 14, उसके बाद 17, ठीक है ये हो गया। चौथा वाला सीरीज देखो, मान लो चौथा वाला सीरीज तुम्हारे पास मान लो 100 है, ठीक है उसके बाद 140 है, ये 4 है, ठीक है उसके बाद मान लो 180 है, उसके बाद मान लो 220 है, ये चल रहा है। देखो ये जितना भी हम तुमको एग्जांपल दिया ना, एक दो तीन चार, हर एक ये क्या है, सीरीज ऑफ नंबर्स है। कुछ नंबर्स दिया है, कॉमा कॉमा देके दिया हुआ है। ठीक है, ये चारों के चारों तुम्हारा क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब एपी में है। कैसे समझ में आएगा, देखो तुम अगर एग्जाम्पल वन को ध्यान से देखोगे, तो एग्जाम्पल वन को देखो, ये जो वन है ना, ये पहला वाला नंबर है, दो तुम्हारा सेकंड नंबर है, थ्री तुम्हारा थर्ड वाला नंबर है, फोर तुम्हारा चौथा नंबर है। तो पहला वाला जो नंबर रहेगा सीरीज में, उसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म। सीरीज का जो पहला नंबर है उसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म, मतलब इस सीरीज में वन तुम्हारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, क्योंकि सीरीज का ये पहला वाला नंबर है, इसलिए पहले वाले नंबर को बोला जाता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल ए से, डिनोट किया जाता है उसको स्मॉल ए से। सीरीज का जो पहला नंबर है उसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म, और उसको डिनोट किया जाता है स्मॉल ए से। देखो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, तो हम लोग कैसे समझेंगे कि ये तुम्हारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, मतलब एपी में है। इसको देखने के लिए तुम्हें दोनों नंबर का डिफरेंस लेना पड़ेगा, हर एक नंबर का डिफरेंस लेना पड़ेगा, और वो डिफरेंस को क्या होगा, इक्वल होना पड़ेगा। डिफरेंस शुड बी इक्वल। जब तुम नंबर का डिफरेंस लोगे, वो डिफरेंस क्या, इक्वल होना पड़ेगा हर एक नंबर के बीच में। ठीक है, अगर डिफरेंस इक्वल है तो वो सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा। अब तुम एक और दो का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, एक होगा। थ्री और टू का डिफरेंस निकालो, इसका भी डिफरेंस एक होगा। चार और तीन का डिफरेंस निकालो, इसका भी डिफरेंस एक होगा। देखो हर एक का डिफरेंस सेम आ रहा है तुम्हारा, मतलब ये तुम्हारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। डिफरेंस मतलब क्या, तुम माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। दो और एक का डिफरेंस मतलब क्या, दो से एक माइनस करोगे। थ्री और टू का डिफरेंस निकालोगे मतलब क्या, थ्री से टू माइनस करोगे। फोर और थ्री का डिफरेंस निकालोगे मतलब क्या, फोर से थ्री माइनस करोगे। डिफरेंस निकालना कैसे होता है, माइनस जब करोगे दो नंबर को तभी तुम्हें डिफरेंस पता चलेगा। हम अगर तुमको बोले एक और दो नंबर का डिफरेंस क्या है, तुम क्या करोगे, टू माइनस वन करोगे तो वन मिलेगा तुम्हें। टू और थ्री नंबर का डिफरेंस क्या है, थ्री माइनस टू करोगे तो वन मिलेगा। थ्री और फोर का डिफरेंस क्या है, फोर माइनस थ्री करोगे तो वन मिलेगा। तो देखो हर एक में डिफरेंस तुम्हारा सेम आ रहा है, हर एक में डिफरेंस तुम्हारा एक है, मतलब ये क्या, डिफरेंस इक्वल है, तो ये सीरीज तुम्हारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला नंबर देखो, दूसरा वाला नंबर देखो, ये सीरीज है, ये सीरीज का पहला नंबर कौन सा है, 40 है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। सीरीज का जो पहला नंबर है वो तुम्हारा फर्स्ट टर्म, ठीक है, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको डिफरेंस देखो, देखो 70 और 40 का डिफरेंस क्या आएगा, 70 माइनस 40 मतलब 30। 100 और 70 का डिफरेंस क्या आएगा, 100 माइनस 70 मतलब 30। 130 और 100 का डिफरेंस क्या आएगा, 130 माइनस 100 मतलब 30। 160 और 130 का डिफरेंस क्या आएगा, 160 माइनस 130 मतलब 30। देखो डिफरेंस हर एक में इक्वल है, डिफरेंस इक्वल है, मतलब ये क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तुम्हें देखना होगा कि डिफरेंस इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा एग्जांपल नंबर थ्री देखो, इस सीरीज का पहला नंबर कौन सा है, 5, तो 5 तुम्हारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा।
सीरीज का जो पहला नंबर है वो फर्स्ट टर्म है, मतलब 5 यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट टर्म है। अब तुम डिफरेंस निकालो, 8 माइनस 5 डिफरेंस करोगे तो 3 आएगा, 11 माइनस 8 डिफरेंस करोगे ये भी 3 आएगा, 14 माइनस 11 डिफरेंस करो ये भी 3 आएगा, 17 माइनस 14 डिफरेंस करो ये भी 3 आएगा। देखो सेम डिफरेंस है, डिफरेंस इक्वल है, मतलब ये भी तुम्हारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा। सवाल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, इस सीरीज का पहला वाला नंबर तुम्हारा 100 है, मतलब ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, सीरीज का पहला नंबर फर्स्ट टर्म है, जिसको हम लोग ए से डिफाइन करते हैं, स्मॉल ए से। अब डिफरेंस देखो, 140 माइनस 100 इसका डिफरेंस क्या है 40, 180 माइनस 140 इसका डिफरेंस भी तुम्हारा 40, ठीक है, 220 माइनस 180 दोनों का डिफरेंस भी 40, मतलब क्या डिफरेंस तुम्हारा इक्वल है, मतलब ये भी तुम्हारा क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा। मतलब नंबर ऑफ सीरीज अगर तुम्हें देखना है कि वो सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, उसके लिए तुम्हें डिफरेंस लेना पड़ेगा, उस डिफरेंस को इक्वल होना होगा। अब ये डिफरेंस जो है ना, इस डिफरेंस का एक नाम है, इस डिफरेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल डी से। मतलब ये जो डिफरेंस हम निकाले ना, देखो पहले वाले एग्जांपल में डिफरेंस क्या था, एक था, ठीक है, दूसरे वाले एग्जांपल में डिफरेंस क्या 30 था, तीसरे वाले एग्जांपल में जो डिफरेंस है वो 3 था, चौथे वाले एग्जांपल में जो डिफरेंस था वो 40 था, तो इस डिफरेंस को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, उसको डिनोट किया जाता है स्मॉल डी से। ये जो डिफरेंस हम निकाले, इस डिफरेंस को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, जिसको हम स्मॉल डी से डिफाइन करेंगे। मतलब एग्जांपल 1 में अगर हम बोले कि कॉमन डिफरेंस क्या है, तुम बोलोगे कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 1 है, देखो कॉमन डिफरेंस हर एक में 1 है। एग्जांपल 2 में अगर हम पूछे कि कॉमन डिफरेंस कितना है, देखो हर एक में कॉमन डिफरेंस क्या 30 है, मतलब कॉमन डिफरेंस तुम्हारा 30 होगा, कॉमन डिफरेंस को तो डी से डिफाइन किया जाता है, अभी बोले तो डी 30 होगा। अच्छा तीसरे वाले एग्जांपल में देखो कॉमन डिफरेंस क्या है, हर एक में देखो 3 है कॉमन डिफरेंस, तो डी इक्वल टू 3 होगा। चौथे वाले एग्जांपल में देखो कॉमन डिफरेंस क्या है, हर एक में देखो 40 है, तो कॉमन डिफरेंस तुम्हारा 40 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग इस तरीके से समझेंगे कि एक सीरीज ऑफ नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कब रहेगा, तुम्हें देखना होगा कि उसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब ये जो कॉमन डिफरेंस हम बोले, ये डी का बात बोले, ये डी इक्वल आएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस इक्वल आएगा, तभी वो सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा, ठीक है। अच्छा तो ये तो हम लोग फर्स्ट टर्म समझ ले कि फर्स्ट टर्म किसको बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस किसको बोला जाता है, ठीक है। अच्छा तो फर्स्ट टर्म को डिनोट किया जाता है किस चीज़ से, अभी अभी क्या बोले, जो फर्स्ट टर्म होगा मतलब सीरीज का जो पहला वाला नंबर है वो फर्स्ट टर्म है, उसको ए से डिनोट किया जाता है, जो कॉमन डिफरेंस है उसको डिनोट किया जाता है स्मॉल डी से, ठीक है। अच्छा अब देखो और एक ठो एग्जांपल दे रहे हैं हम, और दूसरे तरीके से सवाल हम पूछ रहे हैं, देखो समझा दे रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। देखो पहला वाला एग्जांपल जो दे रहे हैं, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही एग्जांपल हम देंगे, एपी का ही एग्जांपल देंगे, ठीक है, सीरीज का। देखो पहला वाला नंबर मान लो 6 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद तुम्हें पूछा कि नेक्स्ट वाला नंबर बताओ कौन सा है। सवाल पूछ लिया कि सीरीज में पहला नंबर 6 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद वाला नंबर तुम्हें पूछा कि कौन सा है, ठीक है। अच्छा दो नंबर वाला एग्जांपल देखो, मान लो सीरीज का पहला वाला नंबर तुम्हारा 8 है, उसके बाद तुम्हारा 6 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद बताया कि नेक्स्ट वाला नंबर बताओ कौन सा है सीरीज में, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, इसको निकालने के लिए तुम्हें पहले फर्स्ट टर्म पहले देखना पड़ेगा कि फर्स्ट टर्म कौन सा है, उसका कॉमन डिफरेंस कौन सा है, मतलब कितना है, उसके बाद तुम निकाल पाओगे। तो देखो अगर एग्जांपल 1 का हम बात करें, तो सीरीज का पहला वाला नंबर 6 है, मतलब ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, मतलब ए है ये वाला, ये फर्स्ट टर्म को तो ए से डिनोट करते हैं, तो ये ए है फर्स्ट टर्म है। उसको कॉमन डिफरेंस निकालो, कॉमन डिफरेंस मतलब क्या डिफरेंस निकालो, इनका 10 और 6 का डिफरेंस कितना आता है 4 आता है, 14 माइनस 10 इसका डिफरेंस भी 4 आता है, 18 माइनस 14 इसका डिफरेंस भी 4 आता है, मतलब डी इक्वल टू कितना आ गया 4, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, तुम इस फर्स्ट टर्म को और कॉमन डिफरेंस को जोड़ दोगे, क्या बोले फर्स्ट टर्म को और कॉमन डिफरेंस को जोड़ दोगे तुम्हारा क्या आएगा नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। मतलब क्या देखो कॉमन डिफरेंस ये तो कॉमन फर्स्ट टर्म तो ए है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस डी है, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, तुम इसके साथ 4 जोड़ दो, मतलब 18 प्लस 4 कर दोगे तो क्या आएगा 22 आ जाएगा, तो 22 में तुम्हारा क्या होगा नेक्स्ट टर्म हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म 22 होगा। समझ में आ रहा है? मतलब क्या जो लास्ट टर्म तुम्हारे पास है उसके साथ तुम कॉमन डिफरेंस जोड़ दोगे, ठीक है। पहला टर्म क्या होगा 6 होगा, उसके बाद इसको ये पहला टर्म जो फर्स्ट टर्म हो तो 6 है, और कॉमन डिफरेंस क्या बोले 4 निकाले कॉमन डिफरेंस। हम तुमको पूछे थे कि इसका अगला वाला टर्म कौन सा है, तो इसके लिए तुम करोगे क्या, जो लास्ट नंबर तुमको दिया हुआ है, लास्ट जो नंबर सीरीज में दिया हुआ है उसके साथ तुम कॉमन डिफरेंस जोड़ दोगे। लास्ट टर्म क्या है 18 है, उसके साथ कॉमन डिफरेंस तुम जोड़ दोगे, तो 4 कर दो, तो 18 प्लस 4 क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। समझ में आ, तो नेक्स्ट टर्म तुम्हारा 22 निकल गया, लास्ट वाले टर्म के साथ जो कॉमन डिफरेंस है उसको जोड़ दोगे, तो तुम्हारा अगला वाला टर्म मतलब नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, ठीक है। अच्छा
उसको इसको देखो, इस सीरीज में देखो पहला नंबर 8 है, मतलब ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा ए। अब कॉमन डिफरेंस निकालो, 6 और 8 का डिफरेंस कितना आएगा, 6 से 8 अगर तुम माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, -2। ठीक है, क्योंकि तुमको कॉमन डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालोगे, इससे ये माइनस कर दोगे, मतलब इस टर्म से इस टर्म को माइनस कर दोगे, मतलब 6 से 8 माइनस करोगे, तो 6 से अगर 8 तुम माइनस करोगे तो तुम्हारा तो -2 आ रहा है कॉमन डिफरेंस, तो -2 कॉमन डिफरेंस किए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 4 से 6 माइनस करोगे, तो 4 से अगर 6 माइनस करोगे तो देखो -2 भी आ रहा है, यहाँ भी -2 आ रहा है कॉमन डिफरेंस इन दोनों के बीच में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 से 4 तुम माइनस करो दोनों के अंतर, तो 2 माइनस 4 करो क्या आएगा, -2 आएगा कॉमन डिफरेंस, तो इसका भी कॉमन डिफरेंस -2 आ गया। तो अगला वाला टर्म कौन सा है तुमको निकालना है। अब देखो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया, डी हो गया। हम क्या बोले थे, जो लास्ट टर्म है उसके साथ कॉमन डिफरेंस जोड़ना है, तो लास्ट टर्म यहाँ पे तुम्हारा क्या है, 2 है, उसके साथ कॉमन डिफरेंस क्या है, -2 है, तो जो दोनों को जोड़ दो, तो 2 है लास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तुम्हारा क्या है, -2 है, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे क्या होगा, प्लस और माइनस में माइनस बन जाएगा, या प्लस और माइनस माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस में माइनस हो जाता है, तो 2 - 2 मतलब 0, मतलब तुम्हारा जो अगला टर्म है वो 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, जो लास्ट टर्म रहेगा उसके साथ तुम क्या करोगे, जो कॉमन डिफरेंस है उसको जोड़ दोगे, यहाँ पे लास्ट टर्म तुम्हारा 2 है, कॉमन डिफरेंस तुम्हारा क्या, -2 है, तो लास्ट टर्म के साथ तुम कॉमन डिफरेंस जोड़ दो, तुम्हारा अगला वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी क्या है ये समझ में आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सवाल है क्वेश्चन आंसर, इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जनरल एक्सप्रेशन, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है, देखो हम समझाते हैं, जनरल एक्सप्रेशन और इसको बोला जाता है जनरल फॉर्म, जनरल एक्सप्रेशन और जनरल फॉर्म ऑफ एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो मान लो एक सीरीज का, मतलब एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला वाला टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। मान लो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका पहला वाला टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। ठीक है, तो पहला टर्म अगर ए है तो सीरीज का पहला टर्म ए, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस तुम्हारा डी है, तो अगला टर्म कैसे निकालोगे, यह है क्वेश्चन। हम तुमको बोल दिए कि एक सीरीज है, अरिथमेटिक सीरीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसका पहला टर्म तुम्हें ए मालूम है और कॉमन डिफरेंस डी मालूम है। ठीक है, तो अगला वाला टर्म क्या होगा तुम निकालो, तो कैसे निकालोगे, इस फर्स्ट टर्म को और कॉमन डिफरेंस को जोड़ दोगे, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, ए और डी को जोड़ोगे तो क्या होगा, ए प्लस डी हो गया तुम्हारा सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म के साथ फिर कॉमन डिफरेंस को जोड़ दोगे, मतलब ए प्लस डी प्लस डी, मतलब ए प्लस 2D। ठीक है, अच्छा थर्ड वाला, ये थर्ड वाला टर्म होगा, फोर्थ वाला टर्म क्या होगा, इसके साथ कॉमन डिफरेंस फिर जोड़ दो, ए प्लस 2D प्लस डी, मतलब ए प्लस 3D, इस तरीके से। समझ में आ रहा है, और एक बार समझाते, ठीक से सुनो। ठीक है, हम तुमको क्या बोले कि मान लो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका पहला वाला टर्म तुम्हारा ए ये मालूम है और कॉमन डिफरेंस तुम्हें डी मालूम है। ठीक है, तो पहला वाला टर्म तो ए है, बाद सेकेंड टर्म तुम कैसे निकालोगे, सेकेंड टर्म तो मालूम नहीं है, सिर्फ पहला वाला टर्म ए मालूम है और कॉमन डिफरेंस डी मालूम है, तो तुम्हें निकालना है सेकेंड टर्म क्या है। तो इसके लिए तुम करोगे क्या, सेकेंड टर्म निकालने के लिए जो पहला वाला टर्म है और कॉमन डिफरेंस है उसको जोड़ दोगे, तो पहला वाला टर्म तो ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो उसको जोड़ देंगे, तो ए प्लस डी मेरा सेकेंड टर्म हो जाएगा, ये सेकेंड टर्म है। थर्ड टर्म कैसे निकालोगे, जो सेकेंड टर्म है तुम्हारे पास उसके साथ कॉमन डिफरेंस जोड़ दोगे, सेकेंड टर्म क्या है, ए प्लस डी है, कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है, तो सेकेंड टर्म के साथ तुम कॉमन डिफरेंस जोड़ दो, ये सेकेंड टर्म था जो निकाले, ये डी तुम्हारा कॉमन डिफरेंस है, दोनों को जोड़ दो क्या आएगा, डी प्लस डी मतलब 2D, तो ए प्लस 2D तुम्हारा थर्ड टर्म हो जाएगा, इस तरीके से निकालना है। ठीक है, तो ये थर्ड टर्म हो गया। अब फोर्थ टर्म कैसे निकालोगे, जो तुम्हारा थर्ड टर्म आया उसके साथ कॉमन डिफरेंस फिर जोड़ दो, तो थर्ड टर्म तुम्हारा क्या था, ए प्लस 2D था, कॉमन डिफरेंस क्या, डी था, दोनों को जोड़ दो, तो ए प्लस 2D प्लस डी कितना आता है, 3D, तो ए प्लस 3D तुम्हारा हो गया क्या, फोर्थ टर्म। ठीक है, अब अगर बोलेगा फिफ्थ टर्म निकालो, तो फिफ्थ टर्म कैसे निकालोगे, फिर से तुम जो फोर्थ टर्म आया है उसके साथ कॉमन डिफरेंस जोड़ दो। ठीक है, ए प्लस 3D ये तुम्हारा फोर्थ टर्म था, उसके साथ कॉमन डिफरेंस तो डी था, दोनों को जोड़ दो, तो 3D प्लस डी मतलब 4D, ये हो गया तुम्हारा क्या, फिफ्थ टर्म। तो इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, सिक्स टर्म, सेवन्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, तुम जोड़ते 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 निकालोगे। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, ये तुम्हारा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म, इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, अच्छा तो थ्योरी पार्ट यहीं पे कंप्लीट है। ठीक है, जो जो तुमको समझाए, जो जो सिखाए, कैसे कैसे करना है, इसी के साथ हम लोग क्या एक्सरसाइज में अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 देखो,
देखो एक्सरसाइज 5.1 का जो पहला वाला क्वेश्चन है नंबर एक में चारों क्वेश्चन दिया हुआ है, हम दो ठो सॉल्व कर दे रहे, बाकी दो ठो तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं तो समझ जाओगे। पहला वाला क्वेश्चन देखो, इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन है, मतलब यहाँ पे दिया क्या है, ये चारों क्वेश्चन दिया हुआ है ना एक नंबर एक के अंदर, तुम्हें दिया है कुछ सिचुएशन दे दिया गया है, 1, 2, 3, 4 करके ये चारों सवाल दिया है, ये चारों सिचुएशन है, ठीक है। तुम्हें चारों सिचुएशन को मतलब न्यूमेरिकली सॉल्व करना है और बताना पड़ेगा कि ये जो सिचुएशन में जो तुम्हें नंबर्स मिलेगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, अगर है तो क्यों है, ठीक है। तो चलो पहला वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नंबर पहला वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, मतलब टैक्सी फेयर दे दिया गया है। पहले अगर तुम पहला किलोमीटर जाओगे तो टैक्सी फेयर तुम्हें ₹15 लगेगा, ठीक है। उसके बाद पहला किलोमीटर के बाद मतलब एक किलोमीटर के लिए तुम्हें ₹15 देना पड़ेगा, मतलब पहला अगर तुम एक किलोमीटर जाओगे टैक्सी में तो तुम्हें ₹15 पे करना पड़ेगा। उसके बाद एक किलोमीटर के बाद तुम जितना आगे जाओगे तुम्हें ₹8 करके एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। मतलब क्या है, मान लो तुम टैक्सी में सवारी किए और एक किलोमीटर तक जाए, तुम्हें ₹15 पहला एक किलोमीटर के लिए फेयर देना पड़ेगा, मतलब पहला एक किलोमीटर के लिए तुम्हें भाड़ा लगेगा ₹15। उसके बाद तुम फिर से अगर एक किलोमीटर जाओगे, मतलब क्या, पहला एक किलोमीटर गए उसके बाद फिर से और एक किलोमीटर जाओगे, मतलब 1+1 2 किलोमीटर हो गया, उसके लिए तुम्हें क्या ₹8 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब ₹8 एक्स्ट्रा मतलब क्या, 15 जो दिए थे उसके ₹8 ज़्यादा देना पड़ेगा, मतलब क्या ₹15+₹8 इतना हो गया, ठीक है। उसके बाद और भी आगे तुम जाओगे, मतलब और 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाओगे तो 2 किलोमीटर तो गए, और 1 किलोमीटर जाओगे मतलब क्या, 2+1 मतलब 3 किलोमीटर जाओगे तो और ₹8 ज़्यादा देना पड़ेगा, मतलब क्या ₹15+8 हुआ, ये तो पहले 2 किलोमीटर के लिए था, अब तुम 3 किलोमीटर गए और 1 किलोमीटर गए मतलब और ₹8 ज़्यादा लगेगा, मतलब ऐसे ₹8 हो जाएगा। तो इस तरीके से चलता रहेगा, पहला 1 किलोमीटर जाओगे तो ₹15 देना पड़ेगा, उसके बाद तुम जितना 1 किलोमीटर ट्रैवल करोगे तुम्हें ₹8 ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला 1 किलोमीटर के लिए तुम ₹15 दिए थे, उसके बाद तुम और 1 किलोमीटर ट्रैवल किए, मतलब टोटल 1+1 2 किलोमीटर हुआ, तुम्हें ₹8 एक्स्ट्रा चार्ज हो गया, जितना चार्ज पहले दिए थे उससे ₹8 ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद 2 किलोमीटर के बाद मान लो तुम और 1 किलोमीटर जाओगे, मतलब 3 किलोमीटर जाओगे 2+1, तो ये तुम्हारा पहला के लिए क्या था, ये तुम्हारा पहला के लिए चार्ज था और ₹8 ज़्यादा लगेगा, मतलब +₹8 जोड़ दोगे। मान लो तुम और 1 किलोमीटर ज़्यादा जाओगे और 1 किलोमीटर जाओगे, मतलब क्या 3+1 मतलब 4 किलोमीटर ट्रैवल किए, फिर से ₹8 एक्स्ट्रा दो, मतलब तुम कितना पे किए थे, इतना तक पे किए थे, ठीक है। अब 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा किए मतलब फिर से और ₹8 ज़्यादा दो, तो इस तरीके से चलेगा, समझ में आ रहा है हम क्या बोले, ठीक है। तो इसको तुम्हें देखना होगा कि ये इसको सॉल्व करना है, इसको सबको सॉल्व करना है, सॉल्व करके तुम्हें देखना होगा कि जो नंबर्स तुम्हें मिलेगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, समझ में आ रहा है बात। तो देखो कैसे करेंगे, ये तुमको जनरल हम तुमको समझा दिया रफ में, अब हम लोग लिख के करेंगे। देखो तुम इस तरीके से लिखोगे, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट क्या लिखेंगे, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, ये तो दे दिया है, पहला अगर तुम किलोमीटर जाओगे, फर्स्ट किलोमीटर अगर जाओगे तुम्हें चार्ज लगता है ₹15 चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर तुम और 1 किलोमीटर ज़्यादा जाओगे, मतलब क्या पहले 1 किलोमीटर तो गए थे, अब और 1 किलोमीटर ज़्यादा जाओगे, मतलब क्या 1+1 2 किलोमीटर हो गया, तो उसके लिए कितना चार्ज लगेगा, ₹8 एक्स्ट्रा लगेगा, वही दिया हुआ है सवाल में, मतलब टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर, पहला तो 1 किलोमीटर गए ना, अभी और 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाओगे, मतलब क्या 1+1 2 हो जाएगा, मतलब 2 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिखोगे, फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर इस तरीके से लिखोगे, समझ में आया, ठीक है। तो इसके लिए कितना लगेगा, ₹8 ज़्यादा देना पड़ेगा, तो ₹15 तुम तो पहले किलोमीटर के लिए गए थे, अब 1 किलोमीटर और ज़्यादा गए, मतलब क्या 2 किलोमीटर हो गया, इसके लिए ₹8 ज़्यादा देना पड़ा, ठीक है। अच्छा उसके बाद और अगर 1 किलोमीटर ज़्यादा जाओगे तो और ₹8 ज़्यादा लगेगा तुमको, तो क्या होगा, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर हो जाएगा, 2 किलोमीटर तक गए थे और 1 किलोमीटर ज़्यादा जाओगे, मतलब क्या 2+1 मतलब 3 किलोमीटर हो गया, उसके लिए फिर से ₹8 ज़्यादा देना पड़ेगा, तो ये तो दिए थे तुम, अभी और एक्स्ट्रा ₹8 दो, इस तरीके से होगा आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब अगर तुम और 1 किलोमीटर जाओगे, मान लो और 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा किए, तो 3 किलोमीटर तो गए थे
और एक अगर एक्स्ट्रा किलोमीटर जाओगे तो 3+1 कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर हो जाएगा, तो फिर से 8 रुपीज़ ज़्यादा देना पड़ेगा। मतलब क्या, फिर से 8 जोड़ दो, जोड़ दिए, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। तुम 4 किलोमीटर या 3 किलोमीटर तक करके स्टॉप कर देना, ठीक है, क्योंकि ये तो सीरीज चलता रहेगा। ठीक है, तो 2-3 या 4 तुम ऐसे दिखाओगे उसके बाद स्टॉप कर दोगे, समझ में आ रहा है बात? अब इसको सॉल्व करो, देखो 15+8 कितना होगा, 23 रुपीज़, ये कितना होगा 31 रुपीज़, ये कितना होगा 39 रुपीज़। मतलब क्या, पहला 1 किलोमीटर जाओगे तो 15 रुपये भाड़ा, उसके बाद पहला 2 किलोमीटर जाओगे तो 23 रुपीज़ भाड़ा देना पड़ेगा, पहला 3 किलोमीटर जाओगे तो 31 रुपीज़ भाड़ा देना पड़ेगा, पहला 4 किलोमीटर जाओगे तो 39 रुपीज़ भाड़ा देना पड़ेगा। अब तुमको बोलना पड़ेगा ये जो तुम किए ना 15, 23, 31, 39, ये तुम्हारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको रफ में थोड़ा तुमको समझा देते हैं। देखो पहला क्या आया, 15 आया था ना, इसको रफ में समझा रहे, 15 आया था, उसके बाद 23 आया था, उसके बाद 31 आया था, उसके बाद 39 आया था। तुम देखो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। हम क्या बोले थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्या जो कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस को इक्वल होना पड़ेगा। तो देखो कॉमन डिफरेंस को इक्वल है कि नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इस टर्म से इस टर्म को माइनस करेंगे, तो 23 से 15 माइनस करके तो क्या आएगा, 8 आएगा, 31 से 23 माइनस करो तो यहाँ पे भी 8 आ रहा है, 39 से 31 माइनस करो ये भी तुम्हारा 8 आ रहा है। देखो कॉमन डिफरेंस तुम्हारा सेम है, मतलब क्या ये तुम्हारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, समझ में आ रहा है ना? क्या मतलब क्या, तुम्हें ये तुम्हारा क्या है, पहला टर्म है, ये तुम्हारा क्या है, उसका बाद वाला टर्म है। तो ये बाद वाला टर्म तुमको कैसे मिला, इस टर्म से तुम 8 जोड़े तब जाके ये वाला मिला, समझ में आ रहा है? अब 31 तुम्हें कैसे मिला, इस टर्म से तुम 8 जोड़े तभी तुम्हें 31 मिला। अब ये वाला टर्म 39 तुम्हें कैसे मिला, 31 से तुम 8 जोड़े उसके बाद तुम्हें 39 मिला है, इसीलिए तो कॉमन डिफरेंस 8 आ रहा है ना। मतलब क्या, तुम हर एक टर्म को 8 से ऐड कर रहे हो तब जाके तुम्हारा नेक्स्ट टर्म आ रहा है। ठीक है, तब ना कॉमन डिफरेंस इक्वल आया, इसीलिए ये तुम्हारा एपी में रहेगा, समझ में आ रहा है? तुम रीजन क्या लिखोगे, रीजन इस तरीके से लिखोगे, देखो क्लियरली नंबर्स क्या था, 15 था, 23 था, 31 था, 39 था, 15, 23, 31, 39। ठीक है, ये इसको हम इस तरीके से दिखा देंगे, मतलब कि ये चल रहा है। ठीक है, 4 किलोमीटर तक तो अंत में, ये तो एंड नहीं है ना, 4 किलोमीटर तक तो नहीं, ये ऐसे चल रहा है, तो तुम कितना दिखाओगे, इसलिए तुम 2-3 दिखा के उसके बाद स्टॉप कर दोगे, इसलिए डॉट डॉट हम दिए हैं। तो ये जो नंबर्स आया है ये एपी सेटिस्फाई करेगा, फॉर्म्स एन एपी। रीजन क्या है, बिकॉज एवरी टर्म इज 8 मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म, देन द प्रीसीडिंग टर्म। मतलब क्या, हर एक टर्म क्या अपना पहले वाले टर्म से 8 ज्यादा है। प्रीसीडिंग टर्म मतलब क्या, पहला वाला टर्म, मतलब इसका मीनिंग क्या है, हर एक टर्म अपना पहले वाले टर्म से 8 ज़्यादा है। तो वही तो था, देखो ये वाला 23 वाला टर्म क्या है, 15 से 8 ज़्यादा है, इसलिए ना कॉमन डिफरेंस 8 है, समझ में आ रहा है? अब 31 क्या है, 23 से 8 ज़्यादा है, इसलिए कॉमन डिफरेंस 8 है। 39 क्या है, 31 से तुम्हारा 8 ज़्यादा है, तब जाके कॉमन डिफरेंस 8 है। मतलब क्या, हर एक टर्म अपना पहले वाले टर्म से 8 ज़्यादा है, मतलब पहले वाले टर्म से तुम 8 जोड़े हो तब जाके तुम्हारा नेक्स्ट टर्म आया है, इसलिए कॉमन डिफरेंस तुम्हारा 8 है। तो ये तुम्हारा रीज़न है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, तो ये तो हो गया, तो इस तरीके से तुम लिखोगे, ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम दिखाते हैं सवाल नंबर 3। देखो बहुत इजी है, 2 समझ जाओगे तो बाकी 2 कर पाओगे। अच्छा सवाल नंबर 3 को देखो क्या है, उसके बाद हम लोग आते हैं सवाल नंबर 3 पे। देखो सवाल नंबर 3 क्या है, सवाल नंबर 3 दिया है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब क्या है, एक डिगिंग हो रहा है, एक जो वेल है वेल को डिग किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर तुम पहला मीटर डिग करते हो, मतलब 1 मीटर अगर उसको डिग किए हो, तो तुम्हें ₹150 पे करना पड़ेगा। उसके बाद से जितना मीटर तुम डिग करोगे तुम्हें ₹50 ज़्यादा देना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? यह है सवाल, ठीक से सुनो। एक वेल को डिग किया जा रहा है, तो पहला मीटर डिग किए हो तो उसके लिए तुम्हें ₹150 पे करना पड़ेगा। उसके बाद से तुम जितना मीटर डिग करोगे तुम्हें ₹50 ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लगभग क्या एक नंबर क्वेश्चन, जैसे अभी हम किए ना एक नंबर का जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसके तरह है। ठीक है, तो पहला मीटर डिग करने के लिए तुम्हें मिलेगा क्या ₹150,
उसके बाद तुम जितना एक मीटर आगे जितना डिग करोगे तुम्हें 50 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना होगा। मतलब 150 रुपीज पहले पे किए थे, उसके साथ 50 रुपीज ज्यादा देना पड़ेगा। मतलब क्या, 150 प्लस 50 मतलब 200 रुपये हो गया, समझ में आ रहा है। उसके बाद और आगे जाओगे और एक मीटर डिग करोगे तो और 50 रुपीज एक्स्ट्रा, मतलब 200 प्लस 50 मतलब 250 हो जाएगा। इस तरीके से करना है, ठीक है। तो देखो हम क्या लिखेंगे, हम लोग लिखो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर, पहले मीटर के लिए कितना रुपीज चार्ज हो रहा है, 150 रुपीज चार्ज ले रहा है, ठीक है। उसके बाद जितना एक मीटर तुम आगे डिग करोगे तुम्हें 50 रुपीज ज्यादा पे करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट क्या होगा, पहले मीटर के लिए, पहला मीटर मतलब क्या एक मीटर, यहाँ पे पहला मीटर मतलब एक मीटर, फॉर फर्स्ट 1 मीटर, इसको यहाँ पे एक लिखो, फॉर फर्स्ट 1 मीटर पहला एक मीटर के लिए 150 रुपये देना पड़ेगा। उसके बाद एक मीटर के बाद तुम जितना एक मीटर एक्स्ट्रा डिग करोगे उसके लिए 50 रुपीज एक्स्ट्रा। मतलब क्या, पहले एक मीटर के लिए 150 रुपीज, उसके बाद क्या तुम एक मीटर और ज़्यादा डिग करोगे, मतलब क्या पहले एक मीटर किए थे और एक्स्ट्रा एक मीटर किए, मतलब क्या हो गया 1 प्लस 1 2 मीटर हो गया, ठीक है। तो 2 मीटर के लिए क्या देना पड़ेगा, 50 रुपीज ज़्यादा, मतलब पहले 150 रुपीज दिए थे अभी 50 रुपीज एक्स्ट्रा, तो क्या हो गया 150 प्लस 50 200 रुपीज दिए, समझ में आ रहा है। अच्छा और एक मीटर अगर ज़्यादा डिग करोगे तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर तक हो गया था और एक मीटर एक्स्ट्रा किए, मतलब 2 प्लस 1 3 मीटर, इसके लिए क्या 50 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब इतना तो दिए थे पहले, अभी और 50 रुपीज एक्स्ट्रा, मतलब कितना हो गया 250 रुपीज। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इतना तक छोड़ दो, तुम चाहते हो तो और भी कर सकते हो, मतलब हम 3 मीटर तक किए, तुम चाहते हो 4 मीटर तक भी कर सकते हो, 5 मीटर तक भी कर सकते हो, ठीक है। चलो और एक ठो तुमको दिखाई देते, तीन चार ठो ऐसे करोगे, मतलब 3-4 ठो करके छोड़ दोगे, उसके बाद तुम देखोगे जो नंबर्स तुम्हें मिला है वो एपी में है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर और 1 मीटर तक किए, मतलब क्या 3 मीटर तक तो हुआ था, और 1 मीटर करोगे मतलब क्या 4 मीटर हो गया, इसके लिए और 50 रुपीज ज़्यादा देना पड़ेगा। मतलब ये तो था ही 150 प्लस 50 प्लस 50 यह तक था, अभी और 50 एक्स्ट्रा हो गया, मतलब क्या ये हो जाएगा क्या 250 था, और 50 एक्स्ट्रा मतलब क्या 300 रुपीज़ हो गया। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। अब देखो तुम्हारा ये जो नंबर्स तुम्हें मिला है ये एपी में है कि नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से ऐसा लिखोगे क्लियरली क्या है 150 था, उसके बाद कितना आया 200 आया, उसके बाद 250 आया, उसके बाद कितना आया 300 आया, डट डट डट। देखो ये एपी में है कि नहीं है, देखो तुमको समझा दे रहे। देखो एपी में देखने के लिए क्या देखना होता है, कॉमन डिफरेंस इक्वल है कि नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म से जो पहला वाला टर्म है उसको माइनस किया जाता है। ये तुम्हारा सेकंड टर्म है, ये तुम्हारा पहला वाला टर्म है, तो सेकंड टर्म से पहला वाला टर्म माइनस करो, मतलब 200 से 150 माइनस करोगे तो क्या 50 आएगा कॉमन डिफरेंस। उसके बाद 250 से 200 माइनस करो क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस 50 आएगा। 300 से 250 माइनस करो, देखो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 50 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस देखो सेम है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है मतलब क्या यहाँ पे ये एपी में है। तो तुम क्या लिखोगे, जो हर एक टर्म क्या अपने पहले वाले टर्म से क्या 50 ज़्यादा है, हर एक टर्म अपने पहले वाले टर्म से क्या 50 ज़्यादा है, तभी ना तुम्हारा कॉमन डिफरेंस 50 आ रहा है, ठीक है। अच्छा तो तुम इस तरीके से लिखो फॉर्म्स एन एपी बिकॉज एवरी टर्म इज 50 मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म, हर एक टर्म अपना पहले वाले टर्म से 50 ज़्यादा है, इसीलिए ये एपी में है, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो 1 और 3 हम करा दिए, बाकी 2 तुम करोगे, ठीक है। अच्छा ये 1 और 3 जो 2 हम क्वेश्चन सॉल्व किए, वो जो सीरीज हमें मिला है, जो नंबर्स मुझे मिला है वो एपी में है, ये तुमको हम तो दिखा दिए कॉमन डिफरेंस देखे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कॉमन डिफरेंस में ना आए, ऐसा भी हो सकता है तुम जो 2 सम हम तुम्हारे लिए छोड़ दिए होमवर्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, ये तो होमवर्क है ना, 1 और 3 तो करा दिए, तो जब वो 2 तुम क्वेश्चन घर में सॉल्व करोगे तो तुम देखोगे क्या वो एपी में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर नहीं है तो लिख दोगे कि दे डू नॉट फॉर्म एन एपी। मान लो कि तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 जब तुम सॉल्व करोगे घर में, तो दोनों में से कोई भी एक तुम्हारा मान लो कि नहीं आया, मान लो, ठीक है, तो तुम क्या लिखोगे, दे डू नॉट फॉर्म एपी, एपी फॉर्म नहीं कर रहा है,
ठीक है, ऐसे लिख दोगे। अच्छा, उसके बाद सवाल नंबर दो पे आते हैं। सवाल नंबर दो देखो क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन बिलो। मतलब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म दे दिया गया है और कॉमन डिफरेंस दे दिया गया है, तुम्हें पहला चार्ठो टर्म लिखना होगा, मतलब सीरीज का जो पहला चार्ठो टर्म है उसको लिखना होगा। तुम्हें दिया क्या है, सिर्फ फर्स्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो देखो हम लोग लिख रहे हैं पहला वाला सवाल, देखो ए क्या दिया है, 10 दिया है, मतलब पहला वाला टर्म ए फर्स्ट टर्म वो 10 है और जो कॉमन डिफरेंस डी है वो भी 10 है। ठीक है, तो हम लोगों को मिलेगा क्या, देखो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग क्या बोले थे, जो कॉमन डिफरेंस हम जोड़ के निकालेंगे। पहला वाला टर्म अगर ए है ठीक है, तो उसके साथ हम लोग क्या कॉमन डिफरेंस जोड़ के निकालते हैं नेक्स्ट वाला टर्म। ये तुमको अभी भी थ्योरी पर जब पढ़ाए थे तब तुम समझाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोगों को पहला चार्ठो टर्म यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो पहला चार्ठो टर्म हम लोग मान लिए कि वो ए वन है, ए टू है, ए थ्री है और ए फोर है, ये हम मान लिए। ठीक है, ए तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, ठीक है, उसके बाद सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म ऐसे आएगा, तो तुम्हारा चार्ठो टर्म बनेगा, बनेगा ना। पहला वाला टर्म तुमको ए टेन दे दिया गया है। ठीक है, तुम्हें लिखना क्या है, पहला चार्ठो टर्म लिखना होगा, पहला जो चार्ठो टर्म है उसको तुम्हें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला चार्ठो टर्म तुम कैसे लिखोगे, तो ए तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, तो सेकंड टर्म को हम मान लिए कि वो ए वन है, थर्ड टर्म को मान लिए ए टू है, फोर्थ टर्म को मान लिए ए थ्री है और फिफ्थ टर्म को मान लिए ए फोर है, इस तरीके से चलेगा। तो ये ए वन तुम्हें कैसे मिलेगा, ए वन तो तुम्हारा सेकंड टर्म है ना, तो सेकंड टर्म कैसे मिलेगा, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को जोड़ दोगे तो तुम्हारा सेकंड टर्म आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म क्या है, ए, कॉमन डिफरेंस क्या है, डी। अब ए का वैल्यू 10 दिया है, डी का वैल्यू 10 दिया है, तो 10 + 10 = 20, ये तुम्हारा सेकंड टर्म आ गया जो कि ए वन है। थर्ड टर्म कैसे मिलेगा, थर्ड टर्म तो ए टू है, थर्ड टर्म कैसे मिलेगा, जो तुम्हारा पहला वाला टर्म है, ए तुम्हारा 10 है, ये पहला वाला टर्म है, ए वन तुम्हारा क्या है, सेकंड टर्म है जो कि 20 है, ए टू तुम्हारा क्या है, थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म कैसे मिलेगा, सेकंड टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस जोड़ के। सेकंड टर्म तुम्हारा क्या है, ए वन है, कॉमन डिफरेंस क्या, डी है, जोड़ दो, तो ए वन तुम्हारा क्या 20 है, कॉमन डिफरेंस 10 है, तो 30 है, ये तुम्हारा थर्ड टर्म हो गया। ठीक है, अच्छा ये फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म कैसे मिलेगा, थर्ड टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस जोड़ के। थर्ड टर्म तुम्हारा क्या है, ए टू है, कॉमन डिफरेंस क्या, डी है, ए टू का वैल्यू क्या है, 30, डी का वैल्यू क्या है, 10, मतलब 40, ये तुम्हारा हो गया क्या फोर्थ टर्म। ए फोर तुम्हारा फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म कैसे मिलेगा, फोर्थ टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस जोड़ के। फोर्थ टर्म तुम्हारा क्या है, ए थ्री है, कॉमन डिफरेंस डी है, ए थ्री का वैल्यू क्या है, 40, डी का वैल्यू क्या है, 10, तो ये हो गया 50। देखो तुम्हारा चारों टर्म तुम्हारा आ गया 20, 30, 40, 50, ये तो दिया हुआ था, मतलब क्या सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ चारों टर्म तुम्हारा आ गया, यही तुम्हें निकालना बोला था कि पहला चार्ठो टर्म तुम लिखो एपी में, तो तुम क्या लिखोगे, देयरफॉर द सीरीज, सीरीज क्या हुआ, द सीरीज विल बी, सीरीज क्या होगा, पहला वाला टर्म तो 10 है, ये दिया हुआ था, ये 10 तुम्हारा पहला वाला टर्म है। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या है, 20, थर्ड टर्म क्या है, 30, फोर्थ टर्म क्या है, 40, फिफ्थ टर्म क्या है, 50, ये आगे ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, हो गया, ये सीरीज हम निकाल लिए। अब सवाल तुम्हें पूछा है कि पहला चार्ठो टर्म तुम निकालो, पहला चार्ठो टर्म, तो पहला चार्ठो टर्म क्या है, ये है, ये है, ये है और ये है, ये तुम्हारा पहला चार्ठो टर्म है। ठीक है, तुम क्या लिखोगे, देयरफॉर फर्स्ट फोर टर्म्स 10, 20, 30, 40, हो गया। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, यह एक तो समझा दिए, देखो और एक तो करा देते, बहुत ही इजी है, एक बार एक समझ लोगे तो बाकी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सिर्फ कैलकुलेशन है बस। अच्छा, एक काम करा दिए, ठीक है, अच्छा अभी देखो नंबर थ्री का कराते हैं। चलो नंबर थ्री का देखो क्या है, सवाल नंबर थ्री, सवाल नंबर तीन का देखो, ए का वैल्यू दे दिया गया है जो कि 4 है, यह फर्स्ट टर्म है। ठीक है, डी का वैल्यू दे दिया है, -3 है, यह कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, समझ में आया, उस तरीके से हम लोग क्या सेकंड टर्म को मान लेंगे, सेकंड टर्म मान लो ए वन है, थर्ड टर्म मान लो ए टू है, फोर्थ टर्म मान लो ए थ्री है, फिफ्थ टर्म मान लो ए फोर है। अब निकालो, कैसे निकालोगे, देखो सेकंड टर्म को कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस जोड़ के, मतलब ए प्लस डी जोड़ो, प्लस और माइनस क्या आएगा, -4 - 3 मतलब 1, तो सेकंड टर्म तुम्हारा 1 आ गया, सेकंड टर्म क्या आ गया, 1 आ गया। अच्छा, उसके बाद थर्ड टर्म, थर्ड टर्म कैसे निकालोगे, सेकंड टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस जोड़ के, सेकंड टर्म ए वन है, कॉमन डिफरेंस डी है, जोड़ो, ए वन का वैल्यू क्या निकाले, अभी 1 निकाले, डी का वैल्यू तो -3 है, तो प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस में 1 - 3 मतलब -2, हो गया तुम्हारा थर्ड टर्म -2। फोर्थ टर्म कैसे निकालोगे, थर्ड टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस जोड़ के, मतलब ए टू प्लस डी, ए टू का वैल्यू क्या है, -2,
डी का वैल्यू क्या है, माइनस थ्री, प्लस और माइनस क्या आएगा, माइनस, माइनस टू माइनस थ्री मतलब माइनस फाइव, तो फोर्थ टर्म तुम्हारा हो गया माइनस फाइव, ठीक है। अच्छा ए फोर कैसे निकालोगे, ए फोर माना फिफ्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस जोड़ के, फोर्थ टर्म तुम्हारा ए थ्री है, कॉमन डिफरेंस डी है, ए थ्री का वैल्यू माइनस फाइव है, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू माइनस थ्री है, ब्रैकेट जब ओपन करोगे ये प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, माइनस फाइव माइनस थ्री मतलब माइनस है, ये हो गया तुम्हारा फिफ्थ टर्म, मतलब सीरीज क्या हुआ, देयरफॉर द सीरीज विल बी क्या होगा, पहला वाला टर्म क्या था, फोर्थ था, ये दिया हुआ था, उसके बाद ये तुम्हारा सेकंड टर्म है वन, थर्ड टर्म क्या है माइनस टू, फोर्थ टर्म क्या है माइनस फाइव, फिफ्थ टर्म माइनस एट। अब तुम्हें सवाल क्या पूछा है, पहला चार्टो टर्म तुम लिखो, तो पहला चार्टो टर्म क्या है, यह है यह है यह है यह है पहला चार्टो टर्म, तो लिखो देयरफॉर फर्स्ट फोर टर्म्स क्या होगा, फोर वन माइनस टू माइनस फाइव, फोर वन माइनस टू और माइनस फाइव, ये पहला चार्टो टर्म है, क्योंकि तुमने पहला चार्टो बोला है, पहला तीन ठो बोलोगे तो पहला तीन ठो लिखोगे, पहला दो ठो बोलोगे तो पहला दो ठो लिखोगे, जितना बोलेगा उतना लिखोगे, ठीक है। अच्छा ये करा दिया, ठीक है, चलो ये एक और थ्री करा दिया, उम्मीद करता हूँ कि बाकी तुम कर पाओगे, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल सेम है, तुम्हें सिर्फ समझना होगा कि कैसे निकाल रहे हैं हम, ठीक है। वीडियो अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो उसको फिर से तुम देखो, फिर से बैक में जाओ, फिर से देखो, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। एक और थ्री हो गया। अच्छा उम्मीद करता हूँ कि बाकी कर पाओगे, टोटल पाँच तो दिया हुआ है, उम्मीद करता हूँ कि बाकी कर लोगे, ठीक है। अच्छा अगर नहीं हुआ तो बताओगे, हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सवाल नंबर थ्री, सवाल नंबर तीन में देखो क्या दिया है, सवाल इंस्ट्रक्शन क्या है, फाइंड फॉर द फॉलोइंग एपीज, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। एपी दे दिया गया है, कुछ सीरीज दे दिया गया है, तुम्हें सिर्फ निकालना है कि पहला वाला टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है, मतलब ए और डी निकालना है, पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस। देखो पहला वाला सवाल क्या है, सीरीज क्या है, थ्री है, वन है, माइनस वन है, माइनस थ्री है, डॉट 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 ऐसे दिया हुआ है, तुम्हें सिर्फ निकालना है पहला टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो पहला टर्म तो बहुत ईजी है, पहला टर्म को क्या है, सीरीज का जो पहला वाला नंबर है वही तुम्हारा पहला टर्म है, सीरीज का जो पहला वाला नंबर है वही तुम्हारा पहला टर्म है, तो सीरीज का पहला नंबर क्या है, थ्री है, तो यही तुम्हारा फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो तुम क्या लिखोगे, हेयर यहाँ पे लिखोगे ऐसे करके, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ए इक्वल्स टू थ्री, एक सीरीज जो दिया रहेगा तुमको उसका जो पहला वाला नंबर है वही तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, तो पहला नंबर यहाँ पे थ्री है तो वही तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, ठीक है। अच्छा कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, कॉमन डिफरेंस निकालोगे जो सेकंड टर्म है उसके साथ तुम फर्स्ट टर्म माइनस कर दोगे, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस किया जाता है कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, तो कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, देखो कॉमन डिफरेंस जिसको डी से डिनोट किया जाता है, यह होगा तुम्हारा क्या, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यह है तुम्हारा कॉमन डिफरेंस। तो सेकंड टर्म तुम्हारा क्या है, एक है, लिख दिए, माइनस फर्स्ट टर्म तुम्हारा क्या है, थ्री है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब वन माइनस थ्री मतलब माइनस टू, ये तुम्हारा कॉमन डिफरेंस है, समझ में आया। तो ये बहुत ही ईजी है, एक बार समझ जाओगे तो बहुत ईजी कर पाओगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम तुमको समझाते हैं सवाल नंबर तीन, सवाल नंबर तीन, सवाल नंबर तीन देखो सीरीज क्या है, सवाल नंबर तीन में सीरीज है, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, वन बाई थ्री, ठीक है, फाइव बाई थ्री, उसके बाद है तुम्हारा 9 बाई थ्री, उसके बाद है तुम्हारा 13 बाई थ्री एंड सो ऑन, ठीक है। तो पहला टर्म क्या है, 1 बाई थ्री होगा, क्योंकि यही तुम्हारा सीरीज का पहला वाला नंबर है, तो यही फर्स्ट टर्म होगा, सीरीज का पहला वाला जो नंबर है वही तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म ए से डिनोट किया जाता है, ये होगा 1 बाई थ्री, ठीक है। अच्छा कॉमन डिफरेंस तो अभी भी बताए, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है, ये क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है, फाइव बाई थ्री है, फर्स्ट टर्म क्या था, वन बाई थ्री था, इसको एलसीएम करो, एलसीएम करोगे तो क्या आएगा, थ्री आएगा मतलब फोर बाई थ्री, तो फोर बाई थ्री तुम्हारा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करोगे, समझ में आया, तो ये भी सॉल्व हो गया, इसी के साथ जो पहला वाला एक्सरसाइज है तुम्हारा 5.1 यहीं पे ख़त्म, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा, नेक्स्ट सेशन में नया एक्सरसाइज मतलब 5.2 हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, थैंक यू।